हेलो एवरीवन मैं इस छोटे से बच्चे के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि ये छोटा बच्चा घर के पास में था कोई इसे छोड़ गया या ये खुद आया ही वैसे पला हुआ बच्चा लग रहा है इसकी हरकतों से तो ये रो रहा था बहुत ज़्यादा और इसे कोई देख रेख मतलब तो कोई भी नहीं देखता ना आप सभी जानते हैं कि स्ट्रीट वाले बच्चों को कौन ध्यान रखेगा फिर मैं मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं और मैं कहाँ रखूँ और आजकल तो पार्बो वाली जैसी बीमारी फैल रही है तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन मैं इसे लेके आई पहले मैंने अपने गेट के अंदर रखा इसको चलो ये यहीं पर रह लेगा इसे केयर कर लूँगी अंदर ही रखा लेकिन ये बहुत रोया पूरी रात भर रोता रहा फिर दूसरे दिन मैंने इसको ले कर अपने ऊपर जो और भी बच्चे हैं उनके साथ में मैं ले आई क्या करती मैं छोटा सा था ये भी और मैं इसे ऊपर ले कर आई हूँ तो एक दिन तो ये ठीक रहा लेकिन उसके बाद इसको उल्टियाँ और लूज मोशन इसको हो रहे हैं इसको मतलब बहुत परेशानी इसको लगातार लूज मोशन हो रहे हैं और मैं कल इसे डॉक्टर के पास लेके गई थी तो उन्होंने कहा कि इसको और बच्चों से दूर रखो आप ऐसे कैसे रख सकते हो दूसरे और बच्चों के साथ में मैंने कहा मैं मुझसे रहा नहीं जाता तो मैं इसे इसलिए ले आई तो उन्होंने मुझे ये एक लिक्विड जो है वोमिटिंग रुकने की दवाई दी है तो मैं उसको भी पिलाया मैंने और उसी जो है ड्रॉपर जो है उसी से मैं मैंने नमक पानी का घोल बनाया पहले पानी को उबाला एक गिलास पानी लिया उसको उबाला फिर ठंडा होने पे उसमें हल्का चीनी और हल्का सा नमक मिलाया चुटकी बाद फिर उसका उसको मिक्स करके इसको मैं आधे आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा इसको पिला रही हूँ तो तब से थोड़ा सा ठीक है उल्टी उजमोशन नहीं करा इसने तो आज वैसे भी मैं फिर से डॉक्टर के पास लेके कर जाऊँगी ज़रूरत पड़े तो ग्लूकोज भी इसे चढ़ाना पड़ेगा लेकिन मुझे अब और बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ेगा और बच्चों को भी मैंने दूर से दूर रखा है पूरी सफाई मैं खुद अपने, इस पर हाथ लगा रही हूँ तो मैं अपने कपड़े वगैरह सब उन बच्चों से दूर रख रही हूँ उनको नहीं छू रही हूँ अपने हाथ वाथ बिल्कुल साफ़ रख रही हूँ और आजकल कल पार वो बहुत फैला हुआ है मैं नहीं चाहती कि इसे पारवा हो उल्टी लूज मोशन ऐसे ही इसको हो रहा होगा तो यही ठीक रहेगा क्योंकि बहुत मुश्किल है इन बच्चों को इससे बचाना उनको भी होगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा पूरे घर में इस तरह से और ईश्वर से प्रार्थना है आप भी प्रार्थना करिए कि ये अच्छा रहे अभी तो थोड़ा सा देख रहा है इधर लेकिन रात भर मैंने इसे अपनी गोदी में ही लेकर बैठी रही मैं इसे इतना इसने बार बार उठ के जा रहा था पॉटी करने उल्टी करने तो मुझे बहुत तो मतलब मैं सुबह में उठी गई मैंने कहा अब क्या करूँ मैं उठी गई और इसको मैंने इसे नमक पानी का घोल बना के इसे पिला रही हूँ हम देखते हैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगी अगर डॉक्टर अगर इसको उल्टी अगर दोबारा अब नहीं हुई तो इसी को पिलाती रहूँगी नहीं तो डॉक्टर को इसको उन्होंने निकालता है किसी